आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से अक्षादित परिवारों के लिए 4 मई से 18 मई तक आयुष्मान कार्ड पखवाड़ा चलाया जाएगा। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिले के सभी लाभार्थियों की सूची ग्रामवार संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए और आशा कार्यकर्ता को भी उपलब्ध करा दी जाए। अभियान के दौरान लगने वाले कैंप के बारे में आशा कार्यकर्ता लाभार्थी परिवार को सूचना देंगे और उन्हें कैंप स्थल तक ले जाएंगे और उनका आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे तथा सभी बीएलओ अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप में आवश्यक रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 24% लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बन चुका है। ऐसे अभियान से लाभार्थियों के अधिक से अधिक कार्ड बनाए जा सकते हैं। इस योजना के तहत एक साल में प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा है जो भर्ती होने पर मिलती है। आयुष्मान कार्ड होने से भर्ती होकर इलाज करवाने में समय की बचत होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए जो है सरकार से हम लोगों को निर्देश मिला है कि 4 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जाएगा और इसकी थीम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आयुष्मान कार्ड बना दें, जिससे कि जो हमारी एक बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है जन आरोग्य योजना, जिसके तहत जो है 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष की सुविधा मिलती है, उसमें उसका लाभ उठा सकें, क्योंकि बिना गोल्डन कार्ड के ये सुविधा नहीं मिलती है। अभी तक जो आंकड़े प्राप्त आंकड़े हैं उनके अनुसार पूरे प्रदेश में लगभग 24% कार्ड ही बने हैं और अगर हम देखा जाए परिवारों की बात देखा जाए तो करीब 40.48% परिवारों के ही कार्ड बने हैं। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में 4,48,706 परिवार हैं और जिसमें 20,05,807 बेनिफिशरीज़ हैं, जितना हमें गोल्डन कार्ड बनाना था, और इसमें हम अभी तक जो है 5,10,734 गोल्डन कार्ड बना चुके हैं और ये लगभग आता है 25.46%। अगर हम करें कि हमारी अगर स्थिति ये देखते हैं कि हमारे कितने बेनिफिशरी जो हैं प्रत्येक परिवारों में कितने कार्ड गोल्डन बन गए हैं तो वो करीब है 2,03,998 परिवारों में बन गया है। अगर हम इसको फैमिलीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये करीब 45.46% परिवारों में हमने गोल्डन कार्ड बना दिया है। तो इसी को करने के लिए सरकार ने एक कराया है कि गांव-गांव में जहां पर 50 गोल्डन कार्ड से ज़्यादा हैं वहां पर 2 बीएलईज की टीम लगाई जाएगी और जहां पर 50 से कम हैं वहां पर जो है 1 टीम लगाई जाएगी और प्रयास ये किया जाएगा कि हमारा गोल्डन कार्ड की जो टीम गांव-गांव में जाएगी वो जो है किसी राजकीय संस्थानों में, मतलब जैसे भवन में ही होगा, जैसे प्राइमरी स्कूल है, पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है या कोई भी जो इस तरह के हैं वहाँ पर लगाया जाएगा। और आशाओं को इसमें प्रोत्साहन के तौर पर अगर वो एक परिवार में एक कार्ड बनाती हैं तो 5 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अगर पूरे परिवार का कार्ड बना देती हैं तो उनको 10 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार कार्ड बनाने में जो हमारे आयुष्मान मित्र लगेंगे या जो हमारे NHM के अन्य कर्मचारी लगाए जाएंगे उनको भी इसी प्रकार लाभ दिया जाएगा। BLEs को सरकार के द्वारा जो है उनका नियत मानदेय दिया जाता है। इसमें हम लोगों की रहेगा कि मतलब आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि जिससे आप लोग इस कार्यक्रम का बृहद प्रचार प्रसार करें, जिससे लोगों में जान जागरूकता आवे। पंचायत कर्मियों का योगदान लिया जाएगा और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों का योगदान लिया जाएगा कि आम जनवासियों को, गाँव वासियों को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोल्डन कार्ड बनवाएं और गोल्डन कार्ड का लाभ उठावें। जैसा कि जानते हैं कि अपने जनपद में करीब 125 से ज़्यादा चिकित्सालय जो हैं गोल्डन कार्ड से आच्छादित हैं, जिसमें हमारे राजकीय चिकित्सालय भी हैं और प्राइवेट भी जो उच्च संस्थान हैं वो हैं।
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो लोग जो लोग आयुष्मान कार्ड के धारक हैं वो उसका लाभ उठावें, और जिन लोगों का 2011 की सह गणना में उनका नाम है वो लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कैंप जो लग रहे हैं उन कैंपों में आवें। इसमें आवश्यक दस्तावेज जो हैं उनके आधार कार्ड होगा, उनका जो है राशन कार्ड होगा, और फ़ोन नंबर एक मोबाइल नंबर OTP के लिए होगा, वो लोग लेकर के आवें। अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई असुविधा होती है तो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, हम लोग हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और हमारा प्रयास ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड बना करके दे दें, जिससे कि इस महत्वाकांक्षी योजना का सब लोग लाभ उठा सकें। देखिए, आयुष्मान कार्ड जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना पर, वो इकोनॉमिक और जात के आधार पर गणना हुई थी, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। उसमें जो पोर्टल पर जो है UPHHID जिसका बना हुआ है उसी का कार्ड बन सकता है, इसके अलावा कार्ड और किसी का नहीं बनता है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले किया था, जो उत्तर प्रदेश में जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे थे उनका बनाने का हुआ था, उन लोगों के कुछ कार्ड बने हैं, और जो हमारे BPL कार्ड धारक हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनका बन रहा है। और अभी इसके अलावा किसी का गोल्डन कार्ड नहीं बन सकता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ और भी नए लोगों को सम्मिलित करने की, क्योंकि 2011 से लेकर अब तक काफ़ी परिवर्तन हो गया है, काफ़ी अमीर लोग तब के गरीब हो गए हैं, गरीब लोग अमीर हो चुके हैं, तो उसमें परिवर्तन किया जा रहा अभी, लेकिन केवल उन्हीं का बनेगा जिनका 2011 की जनगणना में सैक डाटा, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है, उन्हीं को बनेगा और किसी का नहीं बन सकता। ई श्रम कार्ड का बनना शुरू हुआ है, उस पर भी कार्यवाही चल रही है।